उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से किनारे पर बसे गांवों में धीरे धीरे कटान बढ़ता ही जा रहा है। गांव वालों का कहना है कि कटान की वजह से उन्होंने अपनी खेती की जमीन खो दी है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने वक्त रहते कदम नहीं उठाए, इसलिए हालात बिगड़ गए। नदी रोकने का कोई जुगाड़ नहीं हुआ, खाली पैसा कमाने का जुगाड़ हो रहा है। अच्छा, आप लोगों का जो खेत था वो कितना कट गया है? खेत तो हमारा बहुत कट गया, लेकिन कहने से क्या फायदा है। कोई मुआवजा आप लोगों को मिला है? अभी तक कुछ नहीं मिला। अच्छा। कोई कोई पाया, कोई कोई नहीं पाया। हम लोगों का खेत तो चला ही गया है। अब हम लोगों के घर के ऊपर भी दिक्कत आ रही है। खेत तो हम लोग का पहले ही कट चुका था और काफी दिनों से हम लोग जो है शासन प्रशासन से गुहार कर रहे हैं कि थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से आप काम करिए, लेकिन यहाँ पे केवल डाली डाल करके और ये पेड़ों की झालियाँ डाल करके इसको रोकने का प्रयास कीजिए। कब तक ये नदी रुकेगी? इससे अभी तक कटान साहब बहुत जबरदस्त चल रहा है। अच्छा, जो आप लोगों का खेत था वो कहाँ है? साहब सब नदी में कट गया, कट रहा है सामने आपके है खेत। अच्छा, यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम किया गया है इस कटान? बस जो पुख्ता जब आपके सामने यही पुख्ता यही व्यवस्था है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक कटाव को रोकने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए सर्वे भी किया जा रहा है। दो गांवों की शिकायत फंस आई थी, वहां पर जो है कटान हो रहा है, तो वहां पे अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, एसडीएम, तहसीलदार और बाकी जितने भी राजस्व विभाग के, पुलिस विभाग के अधिकारी हैं और बाढ़ कार्यखंड के अधिकारी, सभी द्वारा जो है गांव में दौरा किया गया और बाढ़ कार्यखंड द्वारा जो है वहां पर प्रयास भी किया जा रहा है कि कटान को रोका जाए। उनके द्वारा लगातार आज भी टीम की लगी हुई है। नदी किनारे रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें हर साल मानसून के मौसम में इस समस्या का सामना करना पड़ता है। गाँव वाले नुकसान से बचाने के लिए अधिकारियों से एहतियाती कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।